हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एच के निटिंग एंड डिज़ाइन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम एक और प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये तीन तीन के मल्टीपल से फंदे चलते हैं। इसमें आपने तीन तीन के मल्टीपल से फंदे सेट कर लेने हैं फ्रेंड्स, और एक एक फंदा दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखना है, और आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं फ्रेंड्स, लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के लिए किसी में भी बनाएंगे, बहुत ही प्यारा बनेगा फ्रेंड्स। आफ्टर बॉर्डर हमें ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो देखिए, अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। देखिए, फर्स्ट रो है इसकी, ये फर्स्ट रो पूरी हम इसकी ऐसे ही सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस रो को हमें पूरा ही ऐसे बनाना है, सीधा सीधा। पूरी रो को हम सीधा ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बैक रो भी हम इसकी ऐसे ही पूरी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई भी हम इसकी ऐसे ही सीधी तरफ से पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान सा फ्रेंड्स डिज़ाइन है ये। बैक रो देखें, चौथी सिलाई है इसकी बैक साइड से, इसे भी हम पूरा उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। देखिए, मैंने इसकी चार सिलाइयाँ बना ली हैं, पूरी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे हम। देखिए, इस पहले दो फंदे लेंगे हम, ऐसे दो फंदे एक साथ बुनेंगे, उसका धागा अपनी तरफ, फिर इन्हीं दो फंदों को सिलाई में से उतारना नहीं है, इन्हीं फंदों को वापस लेकर तीन फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए, ये हमारे तीन के तीन फंदे बन गए हैं। फिर से देखें, दो फंदों का एक बनाया, इन्हें हम सिलाई में से निकालेंगे नहीं, इनको ऐसे ही रखेंगे सिलाई पे। फिर धागा अपनी तरफ किया और तीन फंदों को एक साथ बुन देंगे। देखिए, ऐसे हमें इसी दो दो फंदों को, तीन तीन फंदों को एक साथ बनाते हुए पूरी रो में कंप्लीट कर लेना है। तीन फंदों को एक साथ लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, देखें, और ये तीन के तीन फंदे बनते चले जाएंगे हमारे। पहले दो फंदों को एक बनाएंगे, निकालना नहीं है सिलाई में से, इनको ऐसे ही रखना है, धागा अपनी तरफ करना है, और तीन फंदों को एक साथ बुन देंगे ऐसे। फिर से रिपीट, दो फंदों को एक साथ बुना, फिर धागा अपनी तरफ किया, और तीसरे फंदे को भी एक साथ बुन लेंगे ऐसे। देखिए, बहुत ही आसान सा डिज़ाइन हमारा बनकर
तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए धागा अपनी तरफ, तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए बैक रो हम इसकी पूरी उल्टी ऐसे ही पर्ल वाइज बना लेंगे। इस रो को हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। अब देखें फ्रेंड्स इन फंदों को कैसे बनाएंगे हम। देखें इस एक फंदे को हमें सीधा बना लेना है, उसके बाद इन फंदों पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इन दो फंदों को एक साथ लेंगे, रिपीट फर्स्ट रो के जैसे ही बनाना है। दो फंदों को एक साथ लिया, फिर धागा अपनी तरफ घुमाया और तीन फंदों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए ऐसे ही बनाते जाएंगे, फिर से दो फंदों को एक साथ लिया, धागा अपनी तरफ, फिर इन तीन फंदों को एक साथ बना देंगे। ऐसे एक फंदा हमें यहाँ से लेना है और दो फंदे इस वाले डिज़ाइन के लेने हैं। आगे से दो फंदे लिए, फिर धागा अपनी तरफ किया और तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। ऐसे दो डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हमारे बैक रो से। बैक रो हम इसकी ऐसे ही पूरे डिज़ाइन में उल्टी उल्टी ही बनानी है। देखिए फ्रेंड्स हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम अपनी इस रो को सीधा बनाएंगे। ये चार सिलाइयाँ हम इसमें फिर ऐसे ही उल्टी सीधी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस डिज़ाइन को एक बार फिर से रिपीट कर लिया है तो हमारा डिज़ाइन ऐसा बन गया। अब मैं यहाँ से फिर से इसकी चार सिलाइयाँ बनाऊँगी तो इसी डिज़ाइन को रिपीट करती जाऊँगी। हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे डिज़ाइन बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले एक और प्यारे से वीडियो में।